हाई गाइज़ वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल जैसे ही मैंने अपना फूड प्रोसेसर जो कि इनालसा ब्रांड में से है को अपने चैनल पर अपलोड किया मैनी ऑफ यू हैव बीन आस्किंग मी अबाउट हाउ टू टेक आउट जूस यूज इंग दिस फूड प्रोसेसर सो हेरा विद दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैविन चेक आउट माई फूड प्रोसेसर वीडियो सो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज चेक दैट आउट तो आज हम निकाल रहे हैं ऑरेंज का जूस तो सबसे पहले ये एक इक्विपमेंट जो कि फूड प्रोसेसर के साथ आया है और जो कि सिर्फ जूस के लिए यूज़ होता है को हम फ़िक्स करेंगे और उसके ऊपर ये स्ट्रेनर लगाएंगे और दोनों इक्विपमेंट को एक दूसरे के साथ लॉक कर देंगे वहाँ पर लॉक लिखा हुआ है तो जैसे ही ये दो इक्विपमेंट एक दूसरे के साथ लॉक्ड हो जाए उसके बाद हम उसके ऊपर लेड लगा देंगे लेड को थोड़ा सा रोटेट करना पड़ता है और ये लेड क्लोज हो जाता है उसके बाद मैं स्विच ऑन कर रही हूँ कि ताकि फ्रूट जूस निकाल जा निकाला जा सके और अब हम वन बाय वन करके ऑरेंज को डालेंगे उस होल में और जूस निकालना स्टार्ट करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हो कि हम मैं जू ऑरेंज को डाल रही हूँ और ये जूस निकलना स्टार्ट हो गया है और क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट जार है तो आप इजीली देख सकते हो कि जूस कितना भर गया है लीक होने का कोई टेंशन नहीं है और इसी टाइप का इसी तरीके से आपको सारे फ्रूट्स का जूस निकालना है हम और आप सारे फ्रूट्स का जूस निकाल सकते हो आप पाइन जूस निकाल सकते हो आप एपल जूस निकाल सकते हो आप पोमाग्रेन जूस निकाल सकते हो आप वाटरमेलन जूस निकाल सकते हो हमने ऑलमोस्ट सभी फ्रूट्स के जूस निकाल लिए हैं आ, तो आज घर में ऑरेंज अवेलेबल था तो ऑरेंज का जूस निकाल कर आप लोगों को दिखा रहे हैं तो जैसे ही ये सारे ऑरेंजेस ख़त्म हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो जो स्ट्रेनर है वो पल्प को नीचे नहीं आने देता है वो पल्प को अपने पास रख लेता है मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या बोल रही हूँ तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि पल्प ऊपर ही रहता है नीचे नहीं आता है मैं अभी ये लिड खोल भी दिखाऊंगी तो लिड खोलने के लिए आपको एक बटन यहाँ पे बटन दिया है वो बटन को प्रेस करना पड़ता है और थोड़ा सा रोटेट करना पड़ता है और लिड खुल जाता है और ये देखिए आप पूरा पल्प स्ट्रेनर ने अपने पास रोक लिया है और ये वो बटन है जिसको मैं बोल रही थी कि इसको प्रेस करना पड़ता है और थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो आपका लेड खुल जाएगा और जूस आप नीचे देख सकते हैं जार में जूस है और वो पल्प को नीचे नहीं आने देता है तो इस तरीके से आप अपना घर में ही जूस निकालिए और फ्रेश जूस का मजा लीजिए सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो होप यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन सो दैट यू गेट नोटिफाइड वेन एवर आई पोस्ट न्यू वीडियो टिल देन बाय